समुद्र पे दो मिनट बैठे हैं, दो मिनट बैठ के खुद से बात करें, तो बहुत गहरी बात कह रहा हूं, खुद से बात करें कि मैंने सुबह उठने से 6 से लेके रात को 11:30 बजे तक क्या वो काम किया जिस काम के लिए सीख आया हूं, क्या वो काम किया जिस काम के लिए मेरे परिवार ने भेजा है, क्या वो काम किया जिस काम के सपने मेरे माँ बाप पाल रहे हैं, क्या वो काम किया जिसके कारण मेरा सिलेक्शन होने वाला है। यदि अंदर से आवाज आती है हाँ किया तो थैंक यू दो अपने आप को ऐसे, और आवाज नहीं आती है तो भाई फिर जिक्र कर कह रहा है एक धन्यवाद भगवान का भी दो कि उसने आपको ऐसे घर में जन्म दिया कि आप पढ़ पा रहे हो। कई बच्चे कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, भाग जाते हैं। अरे भाई मन तो बाद की बात है, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम पढ़ पा रहे हो। तुम्हारे से छोटी उम्र के लड़के होटलों पे बर्तन भी साफ करते देखे होंगे आप लोगों ने, भाई क्या गुनाह कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका जन्म किसी ऐसे घर में हो गया जहां माँ बाप पढ़ाने लायक नहीं है। यदि आप पढ़ने के लायक है, मकान है, रोटी है, कपड़ा है, तो ईश्वर ने आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया। धन्यवाद है भगवान का कि उस लायक पैदा कर दिया कि पढ़ पा रहे हैं। अब आपको ऐसा भगवान का धन्यवाद किस बात का, हम बड़े बेवकूफ है, कोई बर्थडे पे 100 रुपए का पेन गिफ्ट कर देता है तो उसके गीत गाते हैं 7 दिन, ओ मेरे दोस्त ने मुझे पेन दिया, मेरे दोस्त ने मुझे पेन दिया है, 100 रुपए का पेन मान लो। ईश्वर ने आपको एक दिन दिया है, ईश्वर ने अच्छे घर में जन्म दिया है, ये भगवान की देन नहीं है क्या?